जय श्री राधे कृष्णा। श्री कृष्ण ने धरती पर प्रेम समझाने के लिए, धर्म स्थापना के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए जन्म लिया था। श्री कृष्ण हमेशा ही अपना कर्म करते थे, चाहे वह कर्म उन्हें दुख देता हो। देवी राधा श्री कृष्ण की परम प्रेमिका थी। श्री कृष्ण ने अपने कर्म के लिए देवी राधा और ब्रजवासियों को छोड़ दिया था और द्वारका चले गए थे। श्री कृष्ण के लिए यह आसान नहीं था। देवी राधा और श्री कृष्ण को विरह सहना पड़ा, क्योंकि वही उनका कर्म था। द्वारका के निर्माण के समय श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से स्पष्ट रूप से कहा था कि द्वारका का निर्माण वैसा हो कि कोई भी किड़की ब्रज भूमि की तरफ ना कूली हो, ताकि श्री कृष्ण को अपने कर्म करते समय गोकुल वृंदावन बरसाना की याद ना आए, यहाँ तक कि वहाँ की सुहानी हवा उन तक ना पहुँच सके, ना ही उन्हें ब्रजवासियों की याद आए, ना ही यशोदा माता और नंद बाबा की याद आए और ना ही देवी राधा की याद आए। द्वारका का निर्माण वैसा ही हुआ था, ना ही कोई खिड़की या दरवाजा ब्रज भूमि की तरफ थी। श्री कृष्ण ने अपना कर्म और धर्म निभाया, लेकिन मन ही मन वे ब्रजवासियों और देवी राधा को याद करते थे। कोई दरवाजा खिड़की ब्रज की तरफ खुली हुई तो श्री कृष्ण वह खिड़की या दरवाजा भी बंद कर देते थे। श्री कृष्ण और देवी राधा का विरह तो हुआ था, लेकिन देवी राधा श्री कृष्ण से दूर होते हुए भी मन से करीब थी। ब्रजवासियों के लिए भी श्री कृष्ण मन से करीब थे। उन्होंने अपना सारा जीवन श्री कृष्ण की स्मृतियों से ही बिताया था। तो ये आज की वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और यूनिराउंडर को सब्सक्राइब कीजिए।